हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे आलू उबाल ली हूँ। देख लीजिए, ये आलू है। मैं इसको थोड़ा और भी बारीक कर देती हूँ। और ये प्याज है पत्ते वाली। इधर मैं सोयाबीन भिगो के रखी हूँ। तो आज मैं आलू सोयाबीन की सब्जी चावल बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने धोने के लिए। पहले बस आलू उबाल दी और थोड़ा इसको मैश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा बारीक ही आलू सब्जी खाते हैं तरी वाली, तो इस वजह से। और मैं अब जा रही हूँ नहा धो के आती हूँ, तो फिर बनाऊँगी खाना। फ्रेंड, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और इधर मेरे चावल बन के तैयार हो गए हैं। देख लीजिए, मैं चावल बना दी हूँ। अब ये मैं सोयाबीन को तल ली। अब मैं ये प्याज, पत्ते वाली जो प्याज लाई थी, आपको दिखाई थी, फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो रही थी, तो आज मैं सारे प्याज को काट दी हूँ। मैं प्याज भून रही हूँ। देखिए, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू है मैश किया हुआ। अब मैं सब्ज़ी बना दूँगी इसी के। तो आज चावल और सब्ज़ी मेरे यहाँ बन रहा है। और आप सब मेरे वीडियो को देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते, तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। बनाने में बहुत टेंशन होती है, थंबनेल क्या डालना है, उसमें टाइटल क्या डालना है, हर रोज वीडियो क्या बनाऊँ, ये सब बातें बहुत सोचनी पड़ती है। क्योंकि मैं कहीं घूमने फिरने जाती नहीं हूँ, तब कोई कहता है कि कुछ हट के वीडियो बनाओ, तो मैं क्या हट के वीडियो बनाऊँ ये मुझे समझ नहीं आता है। न कहीं मॉल जाना, न कहीं पार्क जाना। पार्क भी जाती हूँ तो लोकल पार्क है मेरे घर के पास, तो मैं कभी कभार आपको पार्क का सीन दिखाई देती हूँ। इससे ज़्यादा क्या है, तो मैं मसाले निकाल लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड, देख लीजिए, ये नमक है। मैं सब्जी में नमक डाल रही हूँ और मिर्ची पाउडर मैं डाल देती हूँ। इसमें मैं मिर्ची पाउडर रखती हूँ मसाले, देख लीजिए। तो मैं देख लीजिए फ्रेंड, आज रिक्शे वाले से झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। देखिए, आज झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। रिक्शे वाले से कोई मारपीट करने के लिए तैयार है, देख लीजिए। कोई है, पता नहीं कौन है, झगड़ा कर रहा है। देख लीजिए, यही मेरे घर के सामने का रोड है। मैं खिड़की से अपना दिखा रही हूँ। पता नहीं किस बात पे झगड़ रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या बातें हो गई। ओ, कह रहा है कि मुझे लगा दिया। पता नहीं लगी क्या नहीं लगी, समझ नहीं आ रही है। लेकिन रिक्शे वाले पे वो ये होता है ना, रिक्शे की काम में पैसे तो हैं, लेकिन रिक्शे के काम में इंसान को बेइज्जती बहुत सहनी पड़ती है। जो कार चालक है, जो बाइक चलाता है, वो अपने आप को ना एडवांस समझता है ज़्यादा, वो रिक्शे वाले को ना कोई इज्जत ही नहीं देता। तो मैं ये हल्दी एक चम्मच डाल दी हूँ, देख लीजिए, और ये दो चम्मच धनिया पाउडर है। क्या करूँ, गरीब को कोई नहीं पूछता है। एक तो बेचारे ठंडी में मर के ठंडी में रिक्शे चलाते हैं किसी तरह से, फिर भी रिक्शे वाले की कदर नहीं है। क्या करोगे, जमाना ही ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है। जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसको सब पूछता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो एक एक रुपये के लिए मेहनत करता है, फिर भी उसकी इज्जत नहीं है। जमाना ही ऐसा है। तो ठीक है फ्रेंड, ये मसाले भून रहे हैं। अब मैं टमाटर काट लेती हूँ। दो टमाटर या नहीं तो समझ नहीं आता, दे ही देती हूँ। ठीक है, मैं टमाटर काट, ये मैं चार टमाटर ले ली हूँ। यहाँ पे मसाले भून रहे हैं, देख लीजिए, मसाले मेरे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पे कर रखी हूँ। अब मैं टमाटर काट ले। तो फ्रेंड, देख लीजिए, मैं टमाटर को काट ली हूँ और मैं इसमें डाल दी हूँ। टमाटर भी भून रही है सही से। अब मैं आलू और सोयाबीन भी डाल दूंगी।
12:30 हो रहा है। मैं पहले नहा धो ली, फिर खाना बना रही हूँ। नहाने धोने के बाद ये सामने में देखो अंकल जी कपड़े धो रहे हैं। मेरे यहाँ तो कोई काम नहीं करना चाहता कोई भी जेंट्स। जेंट्स कहता है कि लेडीज का काम है घर का करना, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम काम होता, उसमें ये नहीं होता कि ये जेंट्स करे कि ये लेडीज करे, मतलब जेंट्स करे या लेडीज। तो जो भी है इंसान को मिल बांट के काम करना चाहिए, माहौल परिस्थिति के हिसाब से इंसान काम करता है। अगर जिसके घर में लेडीज है, अकेली है, परेशान हो रही है, हाँ अगर करने वाली लेडी दो चार लेडीज है तब तो खैर कोई बात नहीं, लेडीज ही करेगी, जेंट्स को घर के काम जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है तो मेरी अभी कढ़ाई पलट जाती, तो करना ज़रूरी है जेंट्स को भी। और जब लेडीज़ बाहर निकल के काम कर सकती है, ऑफिस संभाल सकती है, देख रहे हो कि प्लेन तक लेडीज उड़ा रही है, रिक्शे चला रही है, जब हर चीज़ लेडीज कर सकती है जेंट्स के बराबरी। हाँ भगवान दोनों को अलग बनाए हैं, तो हम कितना भी करेंगे तो न जेंट्स लेडीज बन सकता है और न लेडीज जेंट्स बन सकती है, इस वजह से। लेकिन हाँ काम में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट हैं, ढाबा है, वहाँ पे जेंट्स ही खाना बनाते हैं। अगर वो ये सोच ले कि ये काम लेडीज का है खाना बनाना, तो होटल नहीं चला पाएंगे, ढाबा रेस्टोरेंट जो भी है नहीं चल पाएगा। और देखिए बाहर में सब जगह जहाँ भी है, घर में बाहर में हर जगह लेडीज जेंट्स बराबर काम करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं सब्ज़ी बनाते हुए आज आप सबको अपनी मन की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपना घर में जो भी काम है तो करती हूँ, दवाई खा खा के, तो इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ मुझे भी होती है कि मेरे भी कोई समझे मेरी फीलिंग को, लेकिन नहीं कोई समझते हैं तो कोई बात नहीं है। और अभी तो बस मेरी सब्ज़ी भून रही है, वो आलू नई वाली आलू है ना, वो ठंडी थी तो मुलायम थी, लेकिन उसको मतलब गर्म थी तो मुलायम थी, ठंडी होने के बाद टाइट हो गई है, तो इस वजह से कलसी से उसको दबाना पड़ा है मुझे, नहीं तो ये बड़े बड़े से आलू रहेंगे तो फिर मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं पड़ेगा। ऐसे भी आज मेरे हस्बैंड की थोड़ी मूड ऑफ है, सुबह सुबह थोड़ी सी आप बातें हो गई, तकरार हो गई हम दोनों में। ऐसे तो आप सबसे मुझे कोई बात बतानी नहीं है मौसी चौहान जैसी घर की बातें, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आज मूड उनकी ऑफ है। तो मैं खाना बना लेती हूँ, सब्जी चावल, ये चावल सब्जी है, और मैं कपड़े मशीन में लगा रखी हूँ, तो कपड़े भी धोने हैं, धुल चुके हैं मेरे, बस उसको सुखाने हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मैं तो बस वीडियो को यही पेंड करती हूँ, क्योंकि क्या दिखाऊँ, और कुछ दिखाने का बचा ही नहीं है। बाकी देख रहे हैं आज धूप कितनी तेज आ रखी है, सामने धूप दिखाई दे रही होगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जो नहीं देखे हैं मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू वाले जितने भी देखते हैं, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट प्यार की ज़रूरत है। तो अपना सपोर्ट प्यार आशीर्वाद दीजिए, ठीक है, न्यू वीडियो में फिर से मिलती हूँ, बाय।